नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी के महाकाव्य व उनके रचयिताओं के नाम। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न बनकर आता है कि ये महाकाव्य है कि खंड काव्य, फिर इनके रचयिताओं के नाम, फिर इनमें सर्ग कितने हैं, या फिर दो महाकाव्यों के नाम बताइए, इस प्रकार वर्णन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं हिंदी का सबसे प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कुछ लोग इसको संस्कृत का मान लेते हैं परंतु ये हिंदी का है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदुओं के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। ये लिखा है चंद्रवर दाई ने। ये इनके मित्र भी थे और मंत्री भी थे। इस महाकाव्य में हमें 69 समय देखने को मिलते हैं। समय मतलब अध्याय, अर्थात 69 अध्याय देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे ज्यादा अध्याय इसी महाकाव्य में हैं। मोहम्मद गोरी को मारने में योगदान चंद्रवर दाई जी का भी था। ये बगदाद गए थे पृथ्वीराज रासो को बचाने के लिए, और मोहम्मद गोरी को मारने के लिए कहां गए थे, बगदाद, गोरी से बदला लेने के लिए। वीसल देव रासो, वीसल देव रासो लिखा है नरपति नाहला ने। इसमें मात्र 4 खंड हैं और 125 छंद हैं इसमें। ये दोनों महाकाव्य आदि काल अर्थात वीर गाथा काल में रचित हैं। अगला है दोस्तों रामचंद्रिका। क्या है रामचंद्रिका, ये लिखा है रीति काल के सम्राट जनक प्रवर्तक केशव दास जी ने। इसमें 39 प्रकाश हैं। इनका प्रमुख रस है श्रृंगार। इन्होंने तुलसीदास जी के कहने पर एक दिन में रामचंद्रिका की रचना कर डाली थी। इसमें 39 अध्याय हैं, अर्थात इन्हें अध्याय को प्रकाश कहा जाता है। अगला है वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है। इसमें 8 कल्लोल हैं। इसके अध्याय को क्या कहा जाता है, वर्ण रत्नाकर महाकाव्य के अध्याय को 8 कल्लोल। अगला है कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर महाकाव्य लिखा है सेनापति जी ने। इसमें 5 तरंग हैं, 394 छंद हैं। ये 394 छंद में संपूर्ण होता है और इसके अध्याय को क्या कहा जाता है, तरंग। ये तीनों के तीनों दोस्तों रीति काल के प्रमुख महाकाव्य हैं। अगला है भक्ति काल की ओर आते हैं हम। भक्ति काल का प्रथम महाकाव्य, भक्ति काल में रचित महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इन्होंने वाल्मीकि की रामायण को हिंदी में रूपांतरित किया है, अर्थात अवधी भाषा में रूपांतरित किया है, जिसका नाम है रामचरितमानस। इसमें 7 कांड हैं और ये मध्य प्रदेश में की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का एक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा है, रामचरितमानस, जिस पर नासा अमेरिका मतलब कोई भी है वो भी शोध करने में लगे हुए हैं। इसमें 7 कांड हैं। अब बच्चों एक प्रश्न बनकर आता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं या फिर इसमें 5 कांड हैं, इसमें 4 कांड है, फिर भी ये महाकाव्य क्यों है, तो ये महाकाव्य इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें राम के जीवन का हमें संपूर्ण वर्णन पढ़ने को देखने को प्राप्त होता है, इसीलिए रामचरितमानस महाकाव्य की श्रेणी में है। अर्थात राम के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना हमें रामचरितमानस में मिलती है, इसलिए ये 7 सर्ग हैं, फिर भी ये महाकाव्य है। अगला है सूर सागर। सूर सागर में कृष्ण लीला का वर्णन है, ये लिखा है सूरदास जी ने। किसने लिखा है, ये सूरदास जी ने। सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है दोस्तों भ्रमर गीत, जिसके वर्जन भी आए हैं अलग अलग। इसमें है 12 स्कंध। सूरदास जी ने सूर सागर में कितने स्कंध लिखे हैं, 12 स्कंध अर्थात अध्याय लिखे हैं। अगला है पद्मावत, जो चित्तौड़ की महारानी पद्मावती व राजा रत्नसेन की प्रेम कहानी को दर्शाता है, ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। इसमें 57 खंड हैं। इसमें कितने अध्याय हैं, कुल मिला के 57 अध्याय हैं।
ये रहे भक्ति काल के तीनों। अब आते हैं हम आधुनिक काल की ओर अर्थात वर्तमान काल की ओर। द्वेदी युग में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। आधुनिक युग के द्वेदी युग में लिखा गया खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो खड़ी बोली में अर्जित है अर्थात लिखा गया है। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसमें कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय अर्थात 17 सर्ग हैं इसमें। इसमें इन्होंने आधुनिक राधा का वर्णन किया है अर्थात राधा को रोते बिलखते नहीं बताया है। अन्य काव्यों में क्या बताया? राधा को रोते बिलखते बताया, लेकिन इसमें राधा को ब्रज की सेवा करते हुए बताया है अर्थात कर्म यानी कि मेरे प्रिय कहाँ पर हैं? प्रवास की ओर है अर्थात वो कहाँ गए? मथुरा द्वारका गए हैं, तो मैं अब उनके कार्यभार को संभालूंगी। तो कार्यभार करने के लिए वो ब्रज के बच्चों के साथ कृष्ण की लीलाएं कृष्ण की कहानियां करती हैं, माता यशोदा और नंद बाबा की सेवा करती हैं, वृंदावन के दुखियारों की मदद करती हैं। और जब जब इंद्र कुपित होंगे तब तब मैं गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए तैयार हूं। इतना अलौकिक वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है अर्थात नव युवक व नव युवतियों को जगाने के लिए उन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की। विदेही वनवास, विदेही मतलब क्या होता है दोस्तों? अग्नि, आग। और आग का रूप कौन है? सीता मैया। तो सीता मैया के वनवास का वर्णन है जब राम भगवान ने उनको दोबारा वनवास भेजा था तब का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा था। इसमें कुल मिलाकर 18 सर्ग हैं। एकलव्य अगला महाकाव्य है। एकलव्य लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, जिन्हें एकांकी का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, बादल की मृत्यु जैसी उमदा एकांकिया लिखकर हिंदी में अपने आप को सदा सदा के लिए अमर कर डाला। उर्मिला, उर्मिला महाकाव्य की रचना किसने की है दोस्तों? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने। उर्मिला की रचना किसने की है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने। उर्मिला राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी थी, यानी कि उसने लक्ष्मण ने तो वनवास झेला ही था, साथ में उर्मिला ने भी वनवास झेला था। तो उर्मिला की विरह व्यथा हमें उर्मिला महाकाव्य में देखने को मिलती है। इसमें 6 सर्ग है मात्र, फिर भी ये महाकाव्य है। एक बच्चे ने पूछा था, सर उर्मिला महाकाव्य में 6 सर्ग हैं अर्थात 6 अध्याय हैं, फिर ये महाकाव्य क्यों है? तो ये महाकाव्य इसलिए है क्योंकि इसमें उर्मिला के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना देखने को मिलती है, इसलिए ये महाकाव्य है। अगला है कृष्णायन। कौन सा है? कृष्णायन। ये लिखा है द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने। ये इन्होंने जेल में रहकर कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। जेल में रहकर इन्हें कृष्ण की याद आई कि कृष्ण का जन्म भी तो इन 4 दीवारी में जेल की सलाखों में हुआ था, तो उनके अनुभव को इसमें बताया गया है। कितने अच्छे लोग थे दोस्तों ये, आज के जमाने में तो ऐसे लोग मुश्किल है पैदा हो जाए। इसमें 7 सर्ग हैं, कृष्णायन महाकाव्य में 7 सर्ग हैं। पार्वती महाकाव्य है, ये लिखा है रामानंद तिवारी ने। अगला है दोस्तों उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। ये तीनों ही प्रबंध काव्य के भेद हैं अर्थात ये महाकाव्य हैं तीनों ही। उर्वशी अर्थात शकुंतला की माता का वर्णन हमें उर्वशी में मिलता है। कुरुक्षेत्र में हमें युद्ध का, कृष्ण के युद्ध क्षेत्र का वर्णन मिलता है जो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। रश्मि रथी में हमें कृष्ण का क्रोध देखने को मिलता है जब उन्होंने कर्ण पर क्रोध किया था, तो रश्मि रथी में हमें कर्ण की कहानी देखने को मिलती है। ये तीनों महाकाव्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य का ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी में 7 सर्ग हैं। अगला है दोस्तों लोकातायन और सत्यकाम। लोकातायन व सत्यकाम महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है।
इन्होंने अपने पिताजी के लिए महाकाव्य लिखा है लोकातायन और माता के लिए समर्पित है सत्यकाम। इनकी माता इनको जन्म देने के पश्चात ही स्वर्ग सिधार गई थी। इन्होंने बड़े होकर अपनी माता के लिए लिखा है सत्यकाम और पिता के लिए लिखा है लोकातायन। और दोस्तों ये छायावाद के आधार स्तंभ भी कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन्होंने ही हरिवंश राय बच्चन से कहा था तुम अपने बच्चे का नाम अमिताभ बच्चन रख लो, तो इनके कहने पर ही अमिताभ बच्चन नाम रखा गया। अगला है दोस्तों तारकवध। तारकवध के रचयिता हैं गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश। फिर है दोस्तों जौहर। जौहर है श्याम नारायण पांडे जी का, जिसमें है 71 खंड। इसमें कितने खंड है? 71। और इन्हीं कई एक बहुत अच्छी आख्यान गीति की आख्यान गीति का है महाराणा प्रताप। साकेत। साकेत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अयोध्या। तो समझ ही गए होंगे साकेत में हमें काय का वर्णन मिलता है? श्री राम जी का। ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। इसमें 12 सर्ग अर्थात 12 अध्याय देखने को मिलते हैं। अंधेरे में अगला महाकाव्य है अंधेरे में। ये नई कविता के जनक मुक्ति बोध ने लिखा है। नई कविता के जनक कौन है? मुक्ति बोध। उन्होंने अंधेरे में महाकाव्य की रचना की है। इसमें 8 खंड हैं और 71 बंध हैं। कामायनी ये छायावाद का महाकाव्य है। छायावाद का लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? कामायनी। ये खड़ी बोली में लिखा गया था और लिखा किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। कामायनी पूरा का पूरा प्रकृति को समर्पित है, इसीलिए मैंने इसको हरे रंग में लिख रखा है। इस छायावाद में पूरी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया था। जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें कुल मिलाकर 15 सर्ग हैं दोस्तों। कामायनी में हमें आदि अर्थात पृथ्वी के आदि रूप की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें श्रद्धा और मनु की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसके बाद है दोस्तों सिद्धार्थ और वर्धमान। सिद्धार्थ महाकाव्य और वर्धमान महाकाव्य उसके रचयिता हैं अनुप शर्मा जी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।